ये आपको लग रहा होगा गोवा है, ये गोवा का बागा बीच है दोस्तों। गोवा को फेल कर दिया इसने। सामने इतना बड़ा समुंदर, और ये देखिए आप सामने खाने पीने की दुकानें देखिए आप, 1 2 3 4 5 नीला पंछी उड़ गया नीचे आ गया। ओहो दोस्तों, भारत देश में एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत तगड़ा तहलका मचा हुआ है दोस्तों। यकीन मानना, आपको लग रहा होगा मैं गोवा में हूँ, मैं गोवा में नहीं हूँ। इससे पहले लोग गैस कर लो आप, इतने भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। बहुत तगड़ा तहलका, ये देखो आप चारों तरफ आपको कपल देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप चारों तरफ भीड़ इकट्ठी मिलेगी आपको, चारों तरफ आपको लोग ही लोग मिलेंगे। जहाँ भी कैमरा घुमाऊंगा वहाँ आपको लोग दिखेंगे। आपको लग रहा होगा गोवा है, ये गोवा का बागा बीच है दोस्तों। गोवा को फेल कर दिया इसने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गोवा कुछ भी नहीं है, गोवा को टक्कर दे दी। गोवा पे इतना तगड़ा क्राउड तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो गैस कर लो ये कौन सी ये लोकेशन है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यार, आपको पता लग गया ना, फटाफट से आप कल बैग उठाओगे और इस जगह पर आ जाओगे। देखो सामने इतना बड़ा समुंदर, और ये देखिए आप सामने खाने पीने की दुकानें देखिए आप, 1 2 3 4 5 6। कुछ लोगों ने बोर्ड पे नाम पढ़ लिया होगा, लेकिन बोर्ड पे भी कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कौन सी जगह पे खड़ा हूँ। ये देखिए आप, हर एक बंदा यहाँ पे तहलका बचाने आ रहा है। ये देखिए आप चारों तरफ आपको क्राउड मिलेगा, चारों तरफ सब बंदे परिवार के आपको यहाँ मिलेंगे। कोई भी यहाँ पे डर नहीं है, रात के 2 बजे 3 बजे ऐसे ही क्राउड दिखेगा आपको। ये देखिए आप चारों तरफ आपको क्राउड ही क्राउड। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि ये कौन सी जगह, तो कमेंट करो, मान जाऊंगा, तहलका भाई मान जाएगा। ये देखो सामने ऊपर क्या उड़ गया, ओ तेरी, नीला पंछी उड़ गया नीचे आ गया। ओहो मैडम की आंख पे लगता बच गया, अभी मैडम की आंख उड़ जाती। इस बच्चे को समझ नहीं है कैसे उठा रहा है, कैसे क्या कर रहा है दोस्तों। गैस कर लो कौन सी जगह है। देखो मेरे पिताजी सामने खड़े हैं, अभी भी आपको कुछ शक्लें दिखा रहा हूँ, शक्लें देख कर गैस कर लेना कौन सी जगह पर दोस्तों। ये तहलका बच जाएगा यहाँ पर आओगे तो, मन नहीं करेगा घर पर जाने का, बहुत तगड़ा तहलका बच गया। ये देखिए आप पिताजी मौज काट रहे हैं। और छोटे भाई ठीक हो? बहुत बढ़िया ठीक हो? पापा कैसा लगा? ठीक है पापा, 2-3 मिनट सर बाहर पानी आने दी उसका। पापा कैसा लगा यहाँ पर आकर? पापा दोस्तों बंदी के साथ बिजी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तगड़ा तहलका मच चुका है। ये देखिए आप बोलती नहीं है, घंटी है। पापा बंदी से बातें कर लेना, पहली वाली तेरी भरेगी तो तेरी भर जाएगी, तो तेरी मोटर भी बंद कर दियो, घंटी भी बंद कर दियो, फिर सेकंड वाली भी ऐसी। पापा कोड वर्ड में बातें करना है जिससे बेटे को पता ना लगे। पापा देखो दोस्तों लड़की से बातें कर रहे हैं। देखो आप थर्ड की तरह आएगी ना, थर्ड वाली को टाइम लगेगा, 1 घंटा कम से कम। सब कोड वर्ड समझ रहा हूँ मैं, किसको क्या फोन काटने का तरीका बता रहे हो आप। मतलब 8:30 का मतलब ये है कि 8:30 बजे मैं मिलने आ सकता हूँ कल। ये जनता ने सरेआम पकड़ लिया आपको, किससे बातें कर रहे थे किससे नहीं, सब सारे कोड वर्ड पता लग गया आपको मेरे को। भारत देश में किस तरीके से कोड वर्ड यूज करते आ रहे, जब से आपकी शादी हुई है बच्चों को पागल बना के रखा पापा आपने। तेरी माँ का फोन था आप, अभी हकलाए थे आप। ये तेरी माँ का फोन था अभी है? हाँ। मैं अभी नंबर देख लूँ? हाँ देख ले, एक मिनट रुक जाओ। ये कोड वर्ड क्या था? 8:30 बजे पानी वानी। माँ का है सारा, ले ले ये देख है? हाँ, तेरी माँ का हिमांशु आ रहा। हाँ। ओ तेरी, ये देख हिमांशु आ रहा दोस्तों। चलो मैं कुछ बातें बोलूंगा नहीं है, माँ का ही फोन। चलो बाबा मैं शुका बना ले, माँ बना ले, जो मर्जी बनाता रहे उसके लिए। पापा ये बताओ जगह कौन सी है, जनता को बताओ। जू चौपाटी बॉम्बे की है ये, इधर पीछे खाने के स्टॉल लगे हुए, एक पंडित जी चाय वाला है, 20 रुपए की चाय बहुत बढ़िया बना के देता है। हाँ पंडित जी चाय वाले बहुत जबरदस्त है यहाँ पर पापा, मतलब उससे बढ़िया कोई चाय नहीं है पूरे भारत में। चढ़ती फिर उसके सामने टक्कर पे वहाँ पड़े वड़े पाव वाला भी है। पापा ये खा लो दोस्त, छोटे भाई छोटे भाई, पापा का दिल बच्चा है, पापा पापा लो, पापा लो, आप नहीं खाओगे? बेकार होता है। अच्छा होता है बच्चे खाते हैं यार, बच्चों को दिल मत तोड़ो आप। नहीं मैं नहीं खा। पापा ये जगह कैसी लगी सही सी बताओ? बहुत बढ़िया। मौसम कैसा लगा मुंबई का? मुंबई का आनंद लीजिए, मजे लीजिए दोस्तों। पापा के साथ मुंबई आया हूँ, देखो पापा आनंद ले रहे हैं। देखो पापा को कितने सालों बाद मुंबई ले, पापा कितने साल बाद मुंबई आए हो आप? हो गए होंगे 15-20 साल। 15-20 साल तो आपने जू चौपाटी देखी थी पहले? ये जू चौपाटी पहले देखी थी? मैं यहाँ 6 महीने पहले रह के गया हूँ। कब रह के गया हूँ? 75 में यहाँ रहने आए थे आप? 6 महीने रह के गया हूँ। पापा कभी मिला अम्बा देवी, बुम्बा देवी मंदिर के पास रह के गया हूँ 6 महीने। पापा कोई मिला था आपको स्टार वार अमिताभ बच्चन वगैरह? मैं फिल्म सिटी में 90 में गया था एक्टिंग करने के लिए। नहीं वही देखने शूटिंग है। अच्छा, हमला फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अनिल कपूर ने चौराहे पे बैठ के रोटी खाई थी, उसमें धर्मेंद्र हीरो था, अनिल कपूर था, चौराहे पे फिल्म सिटी से पहले जो एंट्री करती है वहाँ चौराहे। आपका मन था उस टाइम अनिल कपूर से फोटो वोटो कराने का? नहीं मैंने नहीं कराई फोटो,
उल्टा जब उस गाड़ी में वो पीछे देख के उसके पीछे पुलिस लग रही थी उसकी गाड़ी को मैंने ही हिलाया था। अच्छा उसमें एक्टिंग करी थी आपने? नहीं मैंने गाड़ी हिलाई थी, वो हिलानी पड़ती है जब वो दिखाते हैं कि पीछे पुलिस भाग रही। तो दोस्तों मेरे पापा भी बॉलीवुड में बहुत बड़ा खेल कर चुके हैं, आज बताया पापा ने बॉलीवुड में, मेरे पापा राज कर चुके हैं बॉलीवुड के अंदर, मूवी कर चुके हैं, पापा ने गाड़ी हिलाई थी, पापा का चेहरा नहीं आया था, बहुत बड़ी बात पापा ने छुपा के रखी थी अपने बच्चों से, तहलका पापा ने मचा दिया आज। पापा सुनो ये बताओ जूहू चौपाटी के अलावा और मुंबई में कौन कौन सी जगह बढ़िया? गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे बहुत बढ़िया, और एक मंदिर और है सिद्धि विनायक का तो वहाँ पे है शिरडी में। अच्छा तो यहाँ से दूर है 150-200 किलोमीटर दूर है शिरडी। बड़े भाई मेरे पापा का जन्मदिन है, कितने का दे दो भाई? 20 का एक है। ये कितने सारे कितने आपके हाथ में? पापा 100 रुपये देना, 500 रुपये देना, आज मेरे पापा का बर्थडे है, लो ये मेरे पापा की तरफ से सामान लेना नहीं हमने, बाय लव यू बाय बाय। यहाँ पे सामने अंदर पंडित जी चाय वाले हैं, उनकी चाय पी के देखना मजा आ जाएगा, तहलका भाई का नाम लेना, तहलका भाई की फोटो दिखाना और ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जूहू चौपाटी में तगड़ी चाय पीनी है, तहलका मचाना है तो पंडित जी की चाय पी सकते हैं आप जूहू चौपाटी में। भैया क्या नाम है आपका? आपके पास कितने टाइप की चाय है? दोस्तों आप देख सकते हो ये कोई आउट ऑफ कंट्री नहीं है, ये हिंदुस्तान में एक जगह है मुंबई, मुंबई में यहाँ पे तहलका मचा हुआ है जूहू चौपाटी के पास, आप देख सकते हो यहाँ पे खचाखच भीड़ है और देखो एक के बाद एक आपको दुकानें दिख रही होंगी, दुनिया भर की यहाँ पे दुकानें हैं, ये देखिए आप। चलो आओ आओ, जूहू चौपाटी के पास आओ, यहाँ पर आपको परिवार के साथ तहलका देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये गोवा में आ चुके हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस टाइम हम खड़े हैं जूहू चौपाटी पे मुंबई में।